आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेकअप के स्टेप्स फॉर बेस मेकअप। जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और सेव करना तो बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आपको लगाना होता है क्लींजर, उसके बाद आपको लगाना होता है टोनर, फिर आपको लगाना होता है मॉइस्चराइजर। ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किन प्रिपरेशन के स्टेप होते हैं। मेकअप करने से पहले आपको CTM करना ही करना है। फिर आपको लगाना होता है प्राइमर, फिर आपको लगाना है कलर करेक्टर। कलर करेक्टर डिफरेंट कलर्स में आते हैं, लाइक ऑरेंज, ग्रीन, येलो, लवेंडर, पीच। आपको नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन करनी है। फिर आपको लगाना होता है कंसीलर, फिर आपको लगाना होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद आपको लगाना होता है कंटूर, ब्लशर और हाइलाइटर। ये आपको लगाने हैं लिक्विड वाले, मींस आपको लगाना है लिक्विड कंटूर, लिक्विड ब्लशर और लिक्विड हाइलाइटर। अगर आप ज्यादा देर के लिए मेकअप कर रहे हो, 10 से 12 घंटे के लिए मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, तो ये करना बहुत जरूरी है। फिर आपको करना होता है पाउडर लॉकिंग, फिर उसके बाद आपको करना होता है कंटूर, ब्लशर और हाइलाइटर। अब की बार आप जो करोगे वो पाउडर वाले करोगे, मींस आप करोगे पाउडर कंटूर, पाउडर ब्लशर और पाउडर हाइलाइटर। अगर आप ज्यादा देर के लिए मेकअप कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया 10 से 12 घंटे के लिए ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, तो आपको ये स्टेप्स भी फॉलो करने हैं। फिर आपको पाउडर लॉकिंग के बाद ये तीनों भी करने हैं। बट अगर आप कम देर के लिए मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, एवरीडे मेकअप कर रहे हो, तो आप ये स्टेप्स अवॉइड कर सकते हो। सीधा फाउंडेशन के बाद पाउडर लगाओगे एंड पाउडर के बाद ये तीनों लगाओगे। एंड लास्ट में करना होता है आपको सेटिंग स्प्रे, या आपके मेकअप को लॉक कर देगा और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा।